आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे नर्सिंग सिस्टर्स के सृजित व भरे पद व रिक्त पद, यानी तीन तरीके के जो पद होते हैं, यानी कुल कितने पद सृजित हैं, उनके सापेक्ष कितने पद भरे गए हैं अभी तक और कितने पद रिक्त हैं। क्योंकि जितने रिक्त होंगे उन्हीं पर वैकेंसीज आती हैं, उन्हीं पर काउंसलिंग होती है, उन्हीं पर आपको नौकरी मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कि कुल आप जान तो पाएँ कि कितने पद ही हैं, उन पद के सापेक्ष कितने भर गए हैं और कितने रिक्त हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के नर्सिंग सिस्टर्स राजकीय मेडिकल कॉलेज कुल सृजित पद और कुल भरे और कुल रिक्त पदों के बारे में। तो देखिए कुछ नोटिफिकेशंस हुई, तो आपको हम सीधे पद दिखाते हैं। देखिए कहा गया कि उपयुक्त उल्लिखित विवरणानुसार दिनांक 30/5/2000 को इन पर्सन काउंसलिंग होगी। तो ये इस तरीके की यहाँ पर ब्यौरा दिया गया। आप देखिए नर्सिंग सिस्टर्स के सृजित भरे और रिक्त पदों का जो ब्यौरा है, ये 9 मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं, कानपुर, आगरा, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, कन्नौज, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पर कुल सृजित पद आप देखेंगे 19, 10, 12 और यहाँ पर 22, 92 और यहाँ 61, 33, 61 और 38, कुल 344 पद यहाँ पर रिक्त हैं, यानी सृजित हैं। उसमें से 281 भरे हैं, 63 रिक्त रिक्त हैं जिन पर काउंसलिंग होनी है। तो ये इसका नोटिफिकेशन दिया गया जो आप सभी लोग देखते हैं, जिसे स्थगित किया गया। और उसके बाद देखिए 25 मई को एक नया आदेश आया था इसमें, तो इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जो है संतृप्त चिकित्सा शिक्षकों और अभ्यर्थियों की प्रथम तैनाती हुआ नव स्थापित राजकीय मेडिकल, जो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हुई जिसमें बांदा, बदायूं, जालौन, कन्नौज, सहारनपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर में करने हेतु काउंसलिंग की जानी है। उक्त नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफ्यूजन्स मेडिसिन विशेषता सृजित न होने के दृष्टिगत पुराने मेडिकल कॉलेजों से संबंधित रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग की जाएगी। अतः निम्नलिखित विशेषताओं के लोक सेवा आयोग द्वारा जो है निर्देशित किया जाता है कि काउंसलिंग की तिथि दिनांक 8/6/2022 यानी 8 जून को होगी और ये दिन बुधवार होगा। कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश जवाहर भवन 6 तल लखनऊ के सभा कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित हों। और इसके साथ आपको लाना क्या है, वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर और पड़ी हुई हैं। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए ये जो है ये, और आपको बता दें ये कोई एडमिशन नहीं, ये ज्वाइनिंग है, यानी ये नौकरी पाने के लिए है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए और पृथक से उनके पत्राचार के पते पर पंजीकृत या स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से भी उक्त के संबंधी सूचना प्रसित की जा रही है। तो यानी उन्हें जो है स्पीड पोस्ट भी किया जाएगा, बाकी आप वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।